अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और क्यों नहीं ठीक होंगे। आज इतना अच्छा मौसम है तो कराची वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं तो आज बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ क्योंकि कराची का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है। शुक्र है, फाइनली कराची में भी बादल आए हैं और बरसने वाले हैं। तो आज बरसते मौसम में मैं बना रही हूँ बिरयानी, चने की बिरयानी। तो चने की बिरयानी के लिए मैंने यहाँ पर चावल उबलने के लिए रख दिए हैं, बाकी मैंने मसाला वसाला सब तैयार कर लिया है। आपको पता है जैसी बारिश स्टार्ट होती है कराची में, जैसे ही शुरू होती है वैसे ही हमारी लाइट चली जाती है, और फिर लाइट को आने का पता नहीं होता है कि हमने कब वापस आना है। जाने का तो फिक्स पता है कि फौरन मिनटों में चली जाती है, लेकिन आने का कुछ पता नहीं होता। तो मैं ज़्यादा वीडियो आपके लिए शूट नहीं कर सकी, थोड़ी सी वीडियो आपके लिए शूट कर सकी, तो मैंने वो ही आपके लिए बना लिया और वो आपके सामने है। तो मैं अभी चने की बिरयानी को दम दे दिया है और चने की बिरयानी मज़ेदार मसाले वाली तैयार हो चुकी है। तो आइए आप भी हमारे साथ बिरयानी को इंजॉय करिए। आज बारिश का मौसम है, कुछ स्पेशल खाने का दिल तो करेगा, तो मैंने स्पेशल बनाने के लिए आज बना रही हूँ चाइनीज़ रोल। तो चाइनीज़ रोल के लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं और चिकन को भी बॉईल कर लिया है, और मैंने आलू का छिलका उतार लिया है, चिकन को भी रेशे कर लिए हैं, और साथ ही मैंने बंद गोभी को भी पतला पतला काट दिया, यानी ब्रीक ब्रीक काट लिया है, और सब मैंने चीज़ें रेडी कर ली हैं। तो एक अदद हम बाउल लेंगे, एक अदद बाउल लेने के बाद उसके अंदर आप डालें जी आलू शालू जो आपने बॉईल किए हैं। आलू आपने अच्छे से बॉईल करने हैं ताकि जब आप मैश करें तो इजीली जल्दी से वो मैश हो जाए। ओके, बस अब आपने इसको मैश कर लेना है। यहाँ पे मुझे एक हाथ से वीडियो बनाते हुए थोड़ी मुश्किल हो रही है। आपको लग रहा है कि आलू अच्छे से गले नहीं, आलू तो बहुत अच्छे से गले हैं, लेकिन एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो आप लोग के लिए आसान होगा, आपने वीडियो नहीं बनानी है। तो मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है, चिकन को मैंने बीच में डाल दिया है, बंद गोभी को मैंने बीच में डाल दिया है, और जी मैंने नमक लिया है, हस्बे ज़रूरत आप नमक ले लीजिएगा, साथ ही हस्बे ज़रूरत आप काली मिर्चें ले लीजिएगा। अगर आपने स्पाइसी खाना है तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिएगा, अगर कम तो फिर आप थोड़ी कम डाल लीजिएगा। बस यहाँ पर हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, और इसको अच्छे से अपने हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है आपने कि ये एक जान हो जाए, बंद गोभी भी और चिकन भी, पता ना चले कि अलग अलग आपने इसके अंदर डालें। और बताएं जी, आपने किस किस ने बारिश में इंजॉय किया है। मैंने तो बारिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला और बारिश दे मगर लाइट ना जाए। तो बस यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना ली हैं, कुछ मैंने रोल्स बना लिए हैं, कुछ मैंने बॉल्स बना ली हैं, कुछ मैंने नगेट्स शेप बना ली है, कुछ स्क्वायर शेप बना ली है। तो आप कोई भी शेप बना लीजिएगा, और साथ ही हमने अंडे को फेंट लेना है अच्छे तरीके से। आपने दो अदर अंडे लेना है, उसको फेंट लेना है, और उसके अंदर ये रोल्स को आपने डिप करना है। चाइनीज़ रोल को बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बिल्कुल क्वांटिटी आप परफेक्ट डालेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, अगर आप चाहें ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो आप पापी के क्रम्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं क्योंकि मेरे पास अभी पड़े ही ब्रेड क्रम्स थे, क्योंकि ब्रेड क्रम्स मैं बनाकर हमेशा रखती हूँ, फ्रीज़र में होते हैं, तो बस निकाले और जल्दी से बना लिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर लाइट गई है तो फिर तो बिल्कुल आपके लिए आसानी होती है, फिर अगर लाइट ना हो तो आपको सोचना पड़ता है यार कि अब बंदा क्या करे, तो इसलिए आप पहले ही बना कर रखा करें। तो यहाँ पर मैं इनको बस क्रम्स लगा लूँगी। और एक बात, जो मेरे चैनल पर अभी न्यू आए हैं तो पहले आकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने सबको क्रम्स लगा लिए हैं, अंडा शंडा लगा कर मैंने क्रम्स लगा कर इसको फ्रीज़र में रख लिए हैं थोड़ी देर के लिए। आप 10 मिनट्स के लिए इसको फ्रीज़र में रखिएगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे परफेक्ट। और यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, शाम की चाय, साथ हम फ्राई करेंगे चाइनीज़ रोल। और मैंने साथ बनाई है घर में पॉपकॉर्न। घर में पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं, इतनी ज़्यादा इजी है, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। घर में बनाना पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा इजी है, आपका जब दिल करे बनाएं, पूरा बाउल भर के इसको खाएं और दिल भर के इसको खाएं। और बारिश में तो ऐसी डिफरेंट चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, और कराची वाले बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं क्योंकि कराची में बारिश होती ही बहुत कम है, बहुत तरस तरस के हमें बारिश मिलती है। सो जब भी बारिश हो तो बारिश को ज़रूर इंजॉय किया करें, उसमें ज़रूर नहाया करें, और मज़े मज़े की चीज़ें भी ज़रूर खाया करें। तो आएँ आप भी मेरे साथ पॉपकॉर्न खा लीजिए।
इतना सब कुछ खा लिया है, अब पेट में गुंजाइश नहीं है रात के खाने की, तो सोचा है थोड़ी देर हम ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि यूपीएस भी ऑफ हो चुका है, क्योंकि सुबह से लाइट गई है, अब यूपीएस भी कितनी देर और चलेगा। तो ऊपर जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ बारिश हो रही है, तो हमने थोड़ा और बारिश को इन्जॉय कर लिया है। और बस मेरा आज का व्लॉग यहाँ तक ही है, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।